बिहार के बेगूसराय के तहगरा ब्लॉक की बारो पंचायत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से होने वाली बारिश ने आज दो बच्चों की जान ले ली। वार्ड नंबर 8 के रहने वाले मोहम्मद मुराद के 6 साल बेटे मोहम्मद सैफ और राजेश शाह के 12 साल बेटे विवेक कुमार पर एक दीवार गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घर वालों को जब इस हादसे के बारे में इत्तला मिली तो एक कोहराम बरपा हो गया। मौके पर फुलवरिया थाना इंचार्ज ने पहुंचकर मरने वाले बच्चों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे की खबर बिजली की तरह पूरे इलाके में फैल गई। चारों तरफ से लोग यहां जमा हो गए। इत्तला मिलने पर तेगड़ा के एमएलए रामरतन सिंह भी मौके पर पहुंचे और बच्चों के घर वालों के साथ दुख में शरीक हुए। उन्होंने घर वालों को पूरी मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही बारो पंचायत के मुखिया मोहम्मद जफर आलम भी मौके पर आए और उन्होंने घर वालों को मुआवजा दिलाने की बात कही। पेश है एनएन न्यूज नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवेस की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बारो दक्षिणी के शाहनगर में, जहाँ पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें एक दीवार के ढह जाने से दो बच्चे की मौत वाकई हो गई। आइए जानकारी लेते हैं हम यहाँ पर के मकामी हालात। बरसात का मौसम है, पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी कई दीवारें हैं जो बहुत पुरानी हैं और ये राहगीर के लिए बहुत रास्ता है। ये दिन रात लोग इधर से आते जाते हैं। घनी आबादी का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 9 बारो दक्षिणी पंचायत का। ये बच्चे लोग खेल कूद रहे होंगे या उतना तो हम हादसात के समय मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा अंदाजा लगता है कि खेल कूद के क्रम में दीवार गिर गया और इसमें दो परिवार के बच्चे मर गए। एक परिवार का जो बच्चा सावजी का है, वो बेचारा खुद अभी बहुत बीमार है, पिछले एक साल से बीमार चल रहा है, बाहर में रहता था, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उसको मात्र एक ही बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई। और बगल में एक सब्जी बेचने वाले काफ़ी गरीब मजदूर परिवार के लोग हैं, लड़का उसका पिता ठेला चलाता है, माँ सब सब्जी बेचती है, परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं, उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। इसलिए हमारी मांग है जनप्रतिनिधि से, प्रशासन से, कि उसको जितने जहाँ तक हो सके क्षतिपूर्ति तो उसकी आदमी की पूरी की नहीं जा सकती, लेकिन आर्थिक मदद से उसको सहयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ और विधायक जी यहाँ आए थे तो विधायक जी ने भी प्रशासन से मांग किया है और हम सारे लोग चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ तक हो जनप्रतिनिधि सामाजिक स्तर से प्रशासनिक स्तर से जितना लाभ पहुँचे उनको लाभ पहुँचाया जाए दोनों परिवार को। मेरा नाम मोहम्मद निहाल, बारो दक्षिण पंचायत के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शाखा सचिव है। नाजिन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बारो दक्षिण पंचायत के मुखिया सैयद मोहम्मद जफर आलम साहब, जिससे हम जानेंगे इस घटना के बारे में मजीद क्या हुआ है। ये तो काफ़ी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आकर के न्यूज़ कवरेज के, इसके लिए शुक्रिया। ये काफ़ी दुखद घटना है, मैं इस घटना के लिए खुद दुखी हूँ। हमारे परिवार के दोनों बच्चे हैं और सरकारी सतह से उनको जो है अभी 4-4 लाख रुपया जो है आपदा से दिलवा देते हैं और दाह संस्कार के लिए 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपया जो होगा पटकल में मिल जाएगा, दाह संस्कार कर लिया जाए। पहले परिवार को सांत्वना देना चाहिए, ये बहुत ही दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ हम लोग शामिल हैं और जो सरकारी सतह से होगा वो पूरी कोशिश करके उनको हम लोग दिलवा देंगे। सर, एक चीज़ और देखने को मिला, यहाँ पर कई ऐसे दीवारें हैं जो और भी बुरी स्थिति में है, तो क्या उन्हें के लिए? वो तमाम लोगों को अभी हम बुलवा लेते हैं, बुलवा करके तमाम लोगों के एक लिस्ट बनवा लेते हैं, देखते हैं कौन है। जिन लोगों का घर दीवार जर्जर हालत में है उन तमाम लोगों को 24 घंटे के अंदर में सभी दीवार को गिरवाने का आदेश दे देते हैं। जी शुक्रिया सर। दो तीन दिनों से जैसा कि बारिश मसलसल मतलब कंटिन्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से बारिश और तेज हवा के कारण भी ये हो सकता है दीवार ढहने का मामला हो, तो ये हादसा वाकई पहले घटनास्थल पर आइए,
से यहाँ पर के आवाम में यहाँ पर के लोगों में मायूसी छाई हुई है। पदाधिकारी न्यूज के साथ मैं मोहम्मद आसिफ।